जय श्री कृष्ण दोस्तों, बियसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों भादो मास पूर्णिमा पितृपक्ष की पूर्णिमा बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग है दोस्तों। साथ ही अगर आप इस दिन शिवलिंग पर एक वस्तु चढ़ाते हैं तो यकीन मानिए आपकी जो भी मनोकामना है, संतान की है, धन की है, नौकरी है, विवाह है, किसी भी कार्य में अगर आपके बाधा आ रही है या फिर कोई बहुत लंबे समय से अगर आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है तो पूर्णिमा के दिन आप ये उपाय जरूर करें। माता लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बनेगी, भगवान शंकर की आपके ऊपर कृपा बनने वाली है और आपकी जो इच्छा है वो अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों उस उपाय को जानने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों पूर्णिमा के दिन देखिये ब्रह्म मुहूर्त में जाकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनकर आपको एक लोटा जल लेना है। उस जल में आपको थोड़ा सा गंगा जल मिला देना है, साथ ही थोड़े से अक्षत डाल दें और आपको जो जौ के दाने होते हैं, अगर आपको किसी भी मतलब पूजा की दुकान में मिल जाएंगे जौ के दाने, आपको 11 जौ के दाने लेने हैं अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। दोस्तों आप शिव मंदिर में जरूर जाएं और वहां पर महामृत्युंजय का 11 बार उच्चारण करें या ओम नमः शिवाय का आप 11 बार जाप कर लें। उसके बाद आपको शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय कहते हुए जल अर्पित करना है और आपने जो जौ के दाने लिए हैं आपको एक एक जौ का दाना आपको अपनी मनोकामना बोलकर शिवलिंग पर चढ़ा देना है। पूर्णिमा के दिन अगर शिवलिंग पर अगर आप ये चढ़ाते हैं तो यकीन मानिए आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना हो वो अवश्य ही पूरी होती है। दोस्तों ये छोटा सा उपाय है, जरूर करके देखें। दोस्तों इस दिन अगर आप ये उपाय करें, साथ ही अगर आपके पास घी हो, कोई सा भी घी हो, चाहे गाय का घी हो, चाहे कोई भी पूजा का जो घी होता है, अगर आप थोड़ा सा अपनी अनामिका उंगली में या शिवलिंग पर चढ़ाकर अपनी अनामिका उंगली पर घी लगाकर जो शिवलिंग की जो जलधारी होती है, जो गोलाकार में होता है जिस पे जल मतलब शिवलिंग पर जिस पे खड़ा होता है, उस पर अगर आप अपनी मनोकामना बोलकर चारों तरफ अपनी उंगली घुमा दें तो यकीन मानिए आपकी जो इच्छा है वो अवश्य ही पूरी होगी। पूर्णिमा बहुत ही श्रेष्ठ दिन माना जाता है। इस दिन सभी देवी देवताओं का वास जल के अंदर माना जाता है। अगर आप एक लोटा जल में थोड़ा सा गंगा जल डालकर अगर शिवलिंग पर चढ़ा दें तो यकीन मानिए आपकी इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। आप इस उपाय को जरूर करके देखें क्योंकि ये ऐसा दिन बहुत ही कम होता है और बहुत ही इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है, तो आप ये उपाय करें और आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।